बसमीमल महमद मौल महमद इन्ताई अफसोस के साथ ये मौजूद डिस्कस किया जा रहा है कि छः जून दो हज़ार इक्कीस रात आठ बजे कैनेडा के सूबे अन्टारीओ के शहर लंडन में एक मुसलमान ख़ानदान को उस वक्त इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर निशाना बनाया गया और तेज़ रफ्तार गाड़ी से कुचला गया कि जब वो रात को टहल रहे थे चार अफ़रा यानी सलमान अफजल साहब उनकी वालदा उनकी जवाजा और उनकी बेटी मौके पर शहीद हो गए दुआ के खुदाबंद वंदबारक वाली उनके दर्जात को बलंद से बलंद फरमाए और उनका बेटा शदीद जख्मी है जो इस वक्त अस्पताल में है और दुआए के खुदाबंद वंदारक वाली उसे शफाजलकामिल फ़रमाए और इस सदमे को बर्दाश करने की ताकत और कुदरत अता फ़रमाए और उनके तमाम लवाकिन को सब्र जमील अता फ़रमाए इन हालात को फ़खर सुनना नहीं चाहिए बल्कि ये देखना चाहिए कि इन हालात की वजूहत क्या हैं और फिर इन हालात के बाद जो कुछ हुआ वो क्या हुआ और क्या ज़िम्मेदारी थी दूसरों की और क्या ज़िम्मेदारी है हमारी तो पहली बात तो ये है कि हम ये देखते हैं कि जब क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड में मस्जिद पे हमला हुआ तो वहाँ की वज़ी अजम का क्या बर्ताव था और वज़रा का क्या रवैया था हुकूमत का क्या रवैया था परचम किस तरह से सरनगुँ हुआ किस तरह से उन्होंने स्कार्फ पहना किस तरह से लोगों ने मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती की और शर्मिंदगी का इजहार किया और मुसलमानों का साथ दिया और आज किस तरह से कैनेडा के लोग वहाँ ला कर फूल रख रहे हैं उस मकाम पर जहाँ यह हादसा हुआ किस तरह से लोग अपने बच्चों के साथ आकर रो रहे हैं कि जिस तरह से अजीज़ व अकरबा एक दूसरे को पुरसा देते हैं किस तरह से हुकूमत के अफराद आए किस तरह से वजीर आए और किस तरह से परचम सरनगु रखा गया यह तारीफ तो है इन लोगों की हमारी तारीफ जब होती कि जब हम अपने ममालिक में किसी मजलूम के ऊपर जुल्म होने के बाद ऐसा रवैया रखते तो यह तारीफ हमारी नहीं है यह तारीफ उनकी है हम ये देखते हैं कि हमारे ममालिक में जब हिंदुओं पर जुल्म हुआ खुद पाकिस्तान में तो हमने क्या किया ईसाइयों पर म हुआ खूस शमा बीबी और शहज़ाद मसी को चार साल के बच्चे के सामने जब ज़िंदा भट्टे में डाल दिया गया वो भी ईंटों के भट्टे में तो उस वक्त मौलवी मुलाओं ने क्या किया पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या किया या जब हम देखते हैं कभी कायदियानी को कत्ल कर दिया जाता है तो उनसे नज़रियाती अख्तिलाफ़ अपनी जगह लेकिन किसी का कत्ल करना सही नहीं है हती अगर हमारे माशरे में कुछ लोग भी हो जाएँ तो हमारे मौलवी मुलाओं का काम यह है कि उनसे इलिमी तरीक़े से अखलाकी दायरे में डिस्कशन करें और उनको कानी करने की कोशिश करें महज कत्ल किसी चीज़ का इलाज नहीं है फिर हमारे साथ अहले अहिल बैतूल सलाम के चाहने वालों के साथ क्या किया जा रहा है बस अच्छाई उस सूरत में हमारी होती कि जब इन मजलूमों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता साथ ही एक बहुत ही मुख्तर सी जहमत देनी है अपने बरदरान अह सुन्नत को कि वह तस्वर करें कि इस वक्त जो कुछ इंडिया में हो रहा है कि जो कुछ इस वक्त कैनेडा में हुआ या बाज़ और जगह हुआ ये एक हल्की सी झलक है कि अल्लाह ना करे कि दोबारा हो हमें कोई ख़ुशी नहीं लेकिन ये हल्की सी झलक है या एक फ़ीसद है उसका कि जो आप सौ फ़ीसद और हज़ार फ़ीसद इन सदियों में हमारे साथ करते चले आए और जो कर नहीं रहे हैं वो या तइत कर रहे हैं या खामोश हैं बस ये पाकिस्तानियों की और बाकी दीगर जगहों के तमाम मुसलमानों और गैर मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि जब भी जहाँ पर भी जुल्म हो उसकी मुखालफत करनी होगी वरना जुल्म कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर क्योंकि अहले सुन्नत को मार दिया तो बहुत बुरा हुआ लेकिन पाकिस्तान में शीयों को मार दिया ईसाइयों को मार दिया कोई बात नहीं नॉर्मल है हमारे लिए तो फिर कभी भी जुल्म ख़त्म नहीं होगा अब एक मौजू कि जिसको मुमकिन है बाद लोग समझें कि हमने कुछ एरीटेट कर दिया लेकिन हकीकत पर मबनी है इस नौजवान ने ट्रक के ज़रिए से या अपनी हैवी गाड़ी के ज़रिए से लोगों को कुचलना किससे सीखा कदा ने इसने गलत काम किया बिल्कुल गलत काम किया कहीं ऐसा तो नहीं कि यह काम इसने फ्रांस और इंग्लैंड के उस वाक़े के बाद के जो सल्फी और वहाबी लोगों से सीखा है कि जिन्होंने ट्रक चढ़ा दिए मासूम लोगों पे। बस एक मौजू ये आएगा जिसे हम तफसील से भी बाद में डिस्कस करेंगे इस्लामोफोबिया क्या है यानी इस्लाम से लोग खौफ ज़दा हैं क्या इस्लाम से लोग खौफजदा सही हैं या गलत हैं सवाल ये है तो असल जवाब तो यह है कि इस्लाम रहमतमीन वाला अगर है तो फिर तो खौफजदा नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें भी शक नहीं कि अशरफुलंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल वसलम के बाद इस्लाम को बदलने की कोशिश की गई यहाँ तक कि उनके सहाबी मालिक अपने नुबैरा को कत्ल किया गया उनके सर को काट कर इंटों के तौर पर रखकर खाना पकाया गया उनकी जोजा की और दीगर खवतन की इज्जतों को लूटा गया और यह सब काम उस जमाने के हाकिम के हुक्म से हुआ कि जिन्होंने हुक्म दिया था कि जकवात लो और कोई ना दे तो उनको जला दो और जो चाहे करो और ये सारा काम खालिद अबिन वलीद ने अंजाम दिया तो अगर लोगों के सामने ये सारे मजालेम हों और साथ में बनोमैया बनो अब्बास और स्मानियों का ओ या जितनी दहशतगर्द तनजीमें अलकायदा तालिबान चाहे पाकिस्तान की अफगानिस्तान की सपा साहबा लश्कर झंगवी, बोको हराम रियाजी चचीनिया की अशबाब सोमालिया की या और दीगर जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं या जो कुछ किया अफमानमसलमिन ने पावर में आने के बाद मिस्र में या जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त लीबिया में या जो कुछ किया गया नाइन अलेवन में या सेवन सेवन के बाद या जो कुछ किया गया मुख्तलिफ जगह पर धमाकों के जरिए से क्या इसके बाद इस्लामो फ़ोबिया नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था तो ये न कहें कि इस्लाम फोबिया ग़लत हो रहा है कोशिश करें कि इस्लाम फ़ोबिया वाले काम न होने दें और इस वक्त भी हमारे पास गुंजाइश है खूस हमारी गुजारिश है द्योबंदी सेल्फ़ी और वहावी मुल्लाओं से कि वो उठें और उन तमाम कामों की जो उन्होंने और उनकी तंजीमों ने किए उनको कंडेम करें और अभी भी वक्त है वरना मुमकिन है कि पूरी दुनिया के हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएँ और ये इंडिया में जो कुछ हो रहा है बिला शक गलत हो रहा है लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया कि जिन बादशाहों को आपने वलील्ला बनाया ज़िल्ले इलाही बनाया उन लोगों ने क्या क्या मजालिम ढाए किस तरह से वहाँ पर उन्होंने ज़ुल्म के बाजार को गर्म रखा उसके बाद यही होना था सिर्फ़ एक बादशाह इंडिया में था आदिल यानी अकबर हम उसके किरदार की और हर हर अमल की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंसानों के साथ वो आदिल था उसका सिर्फ एक गुनाह था कि वो कहता था कि मेरे लिए हिंदू रया और मुसलमान रया सब बराबर हैं इसी वजह से दो दो टके के मौलवियों ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने नया दीन शुरू कर दिया है तो सवाल ये पैदा होता है कि इन िमों का दिफा करने के बाद इन ाल बादशाहों को जिल इलाही कहने के बाद हम क्या तो रखते हैं बस हम गुज़ारिश करेंगे तमाम मुसलमानों से बिला तफरी मज़ाहब और अदियान के कभी किसी जालिम का दिफा ना करें कभी किसी जालिम की हिमायत ना करें जुल्म की मुखालफत करें मज़लूम की हिमायत करें चाहे वो कोई भी हो आज अगर हम होलोकास्ट की हिमायत करेंगे और उसको सही समझेंगे तो जिस तरह से हम एक दीन के ख़िलाफ़ जराइम को सही कहेंगे तो कल मुमकिन है किसी और दीन के मानने वाले इसी काम को हमारे साथ अंजाम दें और यहीं पर अपनी गुफ्तु ख़त्म करेंगे इस जुमले के साथ कि कोई भी ालम हो किसी भी दिन व मजहब का उसकी मुखालफत करें और कोई भी मज़लूम हो किसी भी दिन व मजहब का हती कोई ऐसा शख़्स के जो कोई दीन भी ना रखता हो उसको भी म का शिकार ना होने दें यही वह आखिरी वसीयत थी मौलानी मौमी सल्लाम की कूना लवाल में खसमा वलिलमलू में औंगना क्या हसन हुसैन तुम हमेशा ालम के मुखालफ रहना और मज़लूम के तरफदार और मददगार रहना व सल्ह महमद ताहरीन